समस्त सेन समाज के उत्थान व समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने व गति प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रांत सेन समाज के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन मंगलवार को किया गया। 28 जिले के पदाधिकारियों की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ प्रांत सेन समाज के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ी कलाकार मोना सेन, समाज के अध्यक्ष विनोद सेन सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में समाज को किस तरह से गति प्रदान करना है व महिलाओं को लेकर समाज द्वारा किस तरह के कार्य किए जाएंगे जिससे सेन समाज की महिलाओं की एक अलग पहचान बन सके विषय पर विशेष चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान लोक कलाकार मोना सेन, बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास व सर्वसेन नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारियां दी। आज हमारे छत्तीसगढ़ सेन समाज का बैठक रखा गया है जिसमें 28 जिले के पदाधिकारी यहां पर पधारे हुए हैं और आज एक विशेष एजेंडा बना हुआ है, बायला समाज को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किए गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनोद सिंह जी, हमारे कोषाध्यक्ष विजय कुमार जी, इस सारे पदाधिकारी आए हैं। हम लोग रायपुर से हमारी पूरी महिला मंडल टीम यहाँ पर आई हुई है और समाज को किस तरह से हम आगे और गति दे सकते हैं, सरकार से हमारी क्या क्या मांग हो सकती है, आगे महिलाओं के लिए और कार्य क्या कार्य क्षेत्र हम बढ़ा सकते हैं उसके लिए यहाँ पर आवश्यक बैठक रखी गई है। बहुत देसी मुद्दे को लेकर थी, सभी जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, बार फिरका की समाप्ति करना, बहुत सारे ऐसे एजेंडों के साथ में एक बैठक आहूत की गई थी। और चूंकि छत्तीसगढ़ में सेन समाज बहुत ही अग्रणी समाज रहा है, सारे समाजों को साथ लेकर चलने वाला समाज रहा है, तो बहुत सारे कारणों को लेकर यहाँ बैठक आहूत की गई है। और समाज में सरकार में किस तरीके से भागीदारी सेन समाज की सुनिश्चित हो, रोटी बेटी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, महिलाओं का किस तरीके से महिलाएं आगे हैं, ये समस्त बातों को लेकर आज यहाँ पर बैठक यहाँ पर सकारात्मक रूप से प्रारंभ हुई है। आज हमारे समाज का कुछ नया बैलाज, नया कानून और एक समाज एक बैनर एक नियम रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में सेन भाई लोग जो अनाज अपने मेहनताना के बदले में कमाते हैं उसको सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदे, जिस प्रकार किसानों का धान खरीदते हैं, क्योंकि जैसे कि किसान किसानी करता है वैसे ही हमारा किसान किसानी है, तो उनसे अर्जित धान को सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदे। प्रत्येक जिला पे प्रशिक्षण केंद्र हो जिससे माताएं बहनें और हमारे जो भाई युवा साथी है वो ब्यूटी पार्लर का अच्छा कोर्स करके बढ़िया ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय कर सके जिससे आमदनी बढ़े।